हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 42 हमें दे रखा है, अ फायर इन अ बिल्डिंग बी, किसी बिल्डिंग बी के अंदर आग लगी है, इज रिपोर्टेड ऑन टेलीफोन इन अ टू फायर स्टेशन पी एंड क्यू। तो दो फायर स्टेशन है पी और क्यू, जिसमें कॉल किया गया 20 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ स्ट्रीट रोड। दोनों एक ही रोड पे हैं, बट दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है। पी ऑब्जर्व्स दैट द फायर इज एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द रोड, यानी कि जहाँ पर आग लगी हुई है उससे जो पी फायर स्टेशन है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और क्यू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द रोड, एंड द क्यू ऑब्जर्व दैट इट इज़ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, जहाँ पर आग लगी हुई उससे उसका एंगल बनता है 45 डिग्री का टू द रोड। विच स्टेशन शुड सेंड इट टीम टू स्टार्ट द वर्क एट द अर्लीस्ट, यानी कौन सी टीम को पहले भेजाना जाना चाहिए ताकि उसके पास जल्दी पहुँच कर और वहाँ पर आग पर काबू पा सके। एंड हाउ मच डिस्टेंस विल बी टीम हैज़ टू ट्रेवल, और हर टीम को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा अगर उसके नज़दीक वो जाती है तो। तो देखो, सवाल कुछ इस तरीके से, ये हमारा हो गया एक स्ट्रेट रोड। इस रोड पे हमारा दो फायर स्टेशन है, पहला फायर स्टेशन है पी, दूसरा फायर स्टेशन है क्यू। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है कि 20 किलोमीटर है। अब यहाँ पर इनके बीच में कोई है बिल्डिंग जिसका नाम है बिल्डिंग बी, इस बिल्डिंग में लगी है आग। अगर पी स्टेशन से इसको देखते हैं, इस बिल्डिंग को, ठीक है, तो हमारा जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री का। अब सिमिलरली क्यू पॉइंट से इसको देखते हैं, इस बिल्डिंग को, तो यहाँ बनता है एंगल 45 डिग्री का। तो स्टेशन पी से इसके पास भेजना चाहिए, स्टेशन क्यू के पास भेजना चाहिए, कौन सी टीम को पहले भेजना चाहिए, पहला सवाल ये। दूसरा, अगर आग मान लो यहाँ लगी हुई है तो इसके पास पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो पहले टीम डिसाइड करनी पड़ेगी हमें। तो इसके लिए मैं सॉल्व करता हूँ, मैं मान लेता हूँ ये हमारा पॉइंट हो गया बी, ये हो गया हमारा पॉइंट ए। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ एक्स। अगर ये एक्स होगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, देखो 20 में से एक्स प्लस दिस दोनों का सम आ रहा है 20। अगर 20 में से मैं एक्स को माइनस कर दूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 20 माइनस एक्स आ जाएगा। बिल्डिंग तो हमेशा परपेंडिकुलर पे होती है, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले वो लिखना है। मैंने लिखा डिस्टेंस बिटवीन टू फायर स्टेशन पी एंड क्यू, बीच का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। अगर मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट पी ए जो है वो एक्स है, तो पी ए प्लस ए क्यू दोनों का सम कितना दे रखा, 20। पी ए मैंने रखा यहाँ पे एक्स, तो ए क्यू कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स उधर एक्स हो जाएगा माइनस का, तो ए क्यू आगे मेरे 20 माइनस में एक्स, इस तरीके से मेरा 20 माइनस एक्स आया है, ठीक है। जो पी का एंगल है वो 60 डिग्री है, क्यू का एंगल है वो 45 डिग्री है। इसकी हाइट को मान लेते हैं हम एच। तो हम देखेंगे ये डिस्टेंस कि किसका डिस्टेंस कम है इस बिल्डिंग के नियर बाय। तो पहले हम इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। ये ट्रायंगल लिया मैंने जिसका नाम है बी ए पी, ये हमें एच दे रखा है, ये हमें एक्स दे रखा है, यहाँ एंगल है 60 डिग्री का। तो ट्रायंगल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमें दो चीज़ देखनी होती है, क्या हमारे पास गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है, एंड ट्रायंगल पी ए बी। तो यहाँ पर ये भी फाइंड करना, ये भी फाइंड करना, तो दोनों ही फाइंड करने में, तो यहाँ तो दोनों को ले लो ए बी अपॉन पी ए। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, थीटा को जो भी यहाँ पे एंगल होता है, ए ए बी एच है, ये हमारा एक्स है। अब टेन 60 कितना होगा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल का। ये टेबल कैसे बनी है इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं टेन 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है, अनरूट 3, यहाँ रख दिया मैंने अनरूट 3, नीचे कुछ नहीं मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा इनका, एच को वन के साथ किया, एक्स को इसके साथ किया, एक्स अनरूट 3, इसे मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट। अब दूसरा वाला जो पार्ट है, दूसरा ट्रायंगल, इसे सॉल्व करते हैं। ये हमें दे रखा बी ए क्यू 45 डिग्री, ये एच है और ये 20 माइनस में एक्स है। लिखा मैंने ट्रायंगल बी ए क्यू। सिमिलरली ये, इसमें भी दो चीज़ देखनी, क्या फाइंड करना, क्या निकालना, तो ये भी निकालना और ये भी निकालना, दोनों ही निकालना इसमें भी। तो मैंने लिया ए बी अपॉन में ए क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है टेन थीटा,
थीटा कोण जो भी यहाँ पे एंगल होता है 45 डिग्री है, ये एच आया, ये हमारा कोण है 20 माइनस में एक्स 10 45 हो तो हमारा कितना 1, यहाँ 1 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एच इज इक्वल टू 20 माइनस में एक्स, फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया यूजिंग 1, इक्वेशन 1 को यूज़ किया, जिसके अकॉर्डिंगली एच की वैल्यू कितनी दे रखी है एक्स अंडर रूट 3 एंड 20 माइनस में एक्स, माइनस का एक्स इधर एक्स को आ जाएगा, प्लस का 20, देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन निकाला तो यहाँ बचा अंडर रूट 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू 20। अब ये मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा डिवाइड में, अंडर रूट 3 प्लस में 1। अब इसे हमें करना पड़ेगा रैशलाइज, जिसे मैं अगले पेज पे कर देता हूँ। तो इसे रैशलाइज करने के लिए मैंने पिछले वाली क्वेश्चन में अनुरोध कर लिया, क्वेश्चन में की बनती है रूट 3 की वैल्यू ये है, अगर मैं डायरेक्टली इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, इससे बचने के लिए इसको पहले करते हैं रैशलाइज। रैशलाइज करने का तरीका, यहाँ माइनस है तो इसके अपोजिट साइन लेंगे, प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पे एक्स 20 अंडर रूट 3 माइनस में 1। अब यहाँ देखो एक बार प्लस में आया एक बार माइनस में आया, तो फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो यहाँ हो गया अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ 20 अंडर रूट 3 माइनस का 1, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा एक्स, 20 अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी है 1.732 माइनस का 1, 3 में से क्या 2, 2 में इसका मैं डिवाइड दिया कितना है 10, एक्स इज इक्वल टू 10, 1 में इसी को माइनस करेंगे तो आएगा 0.732। अब 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 है तो डेसिमल मेरा इधर चला जाएगा, एक नंबर 7.32 मीटर आ जाएगा निकल के, ये मेरा आ गया x, ठीक है। अब x निकलने के बाद में यानी कि मेरे PA आ गया, अब कौन क्या निकालेंगे हम AQ, ये आ गया मेरा PA, अब हम निकालेंगे AQ जो कि मेरा कितना था 20 माइनस में x, तो 20 x की वैल्यू कितनी है 7.32, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यह आ गया मेरा 12.68 किलोमीटर, यानी कि जो x वाला डिस्टेंस आया वो तो आया 7.32 और AQ वाला जो डिस्टेंस आया 20 माइनस एक्स वाला 12.68 किलोमीटर, तो यानी कि जो x किलोमीटर वाला डिस्टेंस है वो हमें क्या पड़ेगा नज़दीक पड़ेगा, यानी कि जो ये डिस्टेंस होगा x वाला ये मेरा कम आया, ठीक है, ये तो आया मेरा कितना 7.32 और दूसरा आया या 12.68, तो इसका मतलब फायर स्टेशन P हमारे नज़दीक होगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा फायर स्टेशन P इज नियरर, इतनी बात तो क्लियर होगी। अब दूसरा सवाल ये बनता है हमारा, इसको मैं पहले मेंशन कर देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ये जो ट्रायंगल था हमारा BAP, इसे मैंने माना था कितना x माना था और x की वैल्यू मेरे कितनी निकल के आ गई 7.32 और यहाँ पर जो मेरा एंगल बन रहा था 60 डिग्री बन रहा था। अब आग तो यहाँ लगी है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उन्हें कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, तो इसके लिए हमें निकालना होगा PB, तो मैंने ले लिया PB और हमारे पास गिवन कौन है AP, दो ही चीज़ों को फाइंड करना था, ये हमें फाइंड करना है जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा बेस है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा सेक थीटा का, थीटा यहाँ पे कितना डिग्री है 60 डिग्री, पी बी हमें फाइंड करना है, AP 7.32। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखेंगे सेक 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, सेक 60 वो हमें दे रखा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PB इज इक्वल टू 2 इंटू 7.32। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे PB इज इक्वल टू हो जाएगा 14.64 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस होगा जहाँ पर आग लगी और फायर स्टेशन के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।